न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 38वीं राजस्थान स्टेट यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप और 22वीं राजस्थान स्टेट यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज ओपीजीएस यूनिवर्सिटी रावतसर कुंजला में समापन समारोह हुआ। आज प्रातः महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले हुए तथा दोपहर को पुरुष वर्ग के फाइनल खेले गए। महिला वर्ग में कुल पदकों में बढ़त के कारण चूरू को ट्रॉफी मिली और जोधपुर द्वितीय स्थान पर रहा। पुरुष वर्ग में ट्रॉफी विनर जयपुर तथा रनर जोधपुर रहा। महिला में बेस्ट बॉक्सर अंजू चूरू तथा बेस्ट उभरती बॉक्सर गुनगुन गुर्जर बीकानेर रही। पुरुष वर्ग में बेस्ट बॉक्सर नितिन सोलंकी दोसा तथा बेस्ट उभरता हुआ बॉक्सर दानिश पूनिया चूरू रहा। इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेडल व पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के फाउंडर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन सचिव नरेंद्र कुमार निर्वाण, द्रोणाचार्य अवार्डी चीफ कोच अनूप कुमार बघेला, अनूप बघेला के शिष्य व द्रोणाचार्य अवार्डी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के कोच सागरमल घायल, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑब्जर्वर विजय प्रताप सिंह, रजिस्ट्रार रूपेंद्र सिंह उदावत, शिक्षक संघ एकीकृत के मनोज पूनिया तथा विभिन्न जिलों के बॉक्सिंग संघों के सचिव आदि ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी और मेडल पहनाए। एनसीसी के कैडेट्स ने मार्च पास्ट के साथ इस्तकबाल किया। न्यूज वॉइस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहले ग्राउंड स्वामी सिल्वर आनंद सिंह देवेंद्र सिंह नहीं बताओ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके मैनेजर कोच यूनिवर्सिटी स्टाफ जिन्होंने यहाँ दिन रात करके उनके इन दिन बच्चों की सेवा की, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी और आभारी हूँ। और साथ में एक बड़े सभ्य तरीके से ये कहना चाहूँगा कि जब कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो छोटे